नमस्ते दोस्तों, आज फिर से सरोज शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज आपको हम बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट मटर पनीर की सब्ज़ी आसानी से कैसे बना सकते हैं उसकी विधि बताते हैं। तो मटर पनीर की सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने की विधि बताएंगे। और बनाने से पहले जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लीजिए, जो सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी। तो हम बनाने स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने लिया है आधा किलो पनीर है ये, और ये मटर है, और ये मैंने लिया है लहसुन, और ये एक से दो प्याज हैं, दो से तीन टमाटर हैं और तीन से चार ये हरी मिर्ची हैं। तो सबसे पहले ये जो मैंने प्याज और टमाटर और ये मैंने अदरक भी ली है, तो इनका सभी का हम मिक्स करके और ग्रेवी तैयार करेंगे। सबसे पहले ये मैंने जार लिया है, इसमें सभी को हम काट के डाल के पीसेंगे। तो ये हमारी ग्रेवी तैयार है, देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले ग्रेवी को फ्राई करेंगे, ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ये तैयार करने के लिए मैंने कढ़ाई ली है, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को हम थोड़ा गर्म करेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब सबसे पहले ऑयल डालते हैं। और ऑयल को भी अच्छे से गर्म करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम इसमें जीरा डालते हैं। तो जीरा हमारा चटकना स्टार्ट हो चुका है, अब इसमें हम हींग डालेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो हींग और जीरा हमारा अच्छे से पक चुका है, अब जो मैंने ग्रेवी बनाई थी वो डालते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे मटर पनीर की सब्ज़ी बनाना, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। तो हमारी ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब इसमें हम मसाला ऐड करते हैं। एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच ये मैंने कस्तूरी लाल मिर्च ली है, इससे हमारी जो सब्जी का कलर है बहुत ही प्यारा लगता है। और ये मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर, और ये मैंने आधी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च ली है। और इनको सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारी ग्रेवी का कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें नमक डालते हैं, ये मैंने नमक लिया है, नमक अपना स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। इसको भी मिक्स करेंगे। और अब इसमें मटर डालते हैं, हम मटर डालते हैं इसमें, मटर डाल के भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढक के अच्छे से पकाएंगे, ताकि हमारा जो मटर और ग्रेवी अच्छे से तैयार हो सके। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है हमारी ग्रेवी। अब इसको हम ढक के रखेंगे 5 मिनट के लिए। हमारी ग्रेवी का कलर देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है। अब इसको मिक्स करेंगे। और जो भी मैं बनाती हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके की रेसिपी बनाती हूँ, जो घर में आसानी से उसे कोई भी बना सके, बनाने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो देख सकते हैं ग्रेवी हमारी कितनी अच्छी लग रही है, और ये सब्ज़ी हम होटल से भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाएंगे घर में, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बना सकते हैं मटर पनीर की सब्ज़ी। तो हमें 5 मिनट अभी नहीं हुई है, ग्रेवी को हमें और पकाना है। और तब तक हमारी ग्रेवी तैयार होती है, तब तक हम पनीर के पीस काट लेते हैं। तो ये मेरा घर का ही बना हुआ पनीर है, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश है पनीर। तो अब इसको काटते हैं हम। तो आप जितने बड़े पीस चाहें उतने बड़े पीस कर सकते हैं। और इसको हम फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो पनीर की पौष्टिकता होती है वो पूरी नष्ट हो जाती है फ्राई करने से। हम इसी तरीके से काट के पीस और डालते हैं पनीर को।
तो ये मैंने पनीर की फीसे काट ली है और ये जो मैंने पनीर बचा है बाकी का, इसको हम कद्दूकस करके डालेंगे। मटर पनीर की सब्जी का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा लगेगा, हम कद्दूकस करके डालेंगे। तो वैसे चाहे तो मेस करके भी डाल सकते हैं, पर हम इसका कद्दूकस करके डालेंगे ताकि अच्छा दिखे और अच्छा लगे। तो ये मैंने कद्दूकस कर लिया है पनीर को, देख सकते हैं हमें इस टाइप का चाहिए बिल्कुल। तब हम ग्रेवी को देखते हैं, तो देख सकते हैं हमारी ग्रेवी का कलर भी कितना प्यारा दिख रहा है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। तो ये मैं ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, मटर भी हमारा पकना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी इसमें मैंने ये आधा गिलास पानी का लिया है, पानी डालते हैं ताकि हम पनीर डालेंगे तो हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए हमें थोड़ा मीडियम साइज का ही रखना है। ये हमारी ग्रेवी तैयार है, अब इसमें हम पनीर का जो मसाला आता है वो डालते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हम पनीर के पीसे डालेंगे, इसको हम मैंने फ्राई नहीं किया है, फ्राई करने से हमारे जो पनीर की पौष्टिकता है पूरी नष्ट हो जाती है, इसलिए हम वैसे ही डालेंगे। ये बिल्कुल ताज़ा पनीर है, घर वाला पनीर है, घर पे बना हुआ। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी मटर पनीर की सब्जी कितनी प्यारी दिख रही है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि हमारा पनीर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारी मटर पनीर की सब्जी कितनी प्यारी दिख रही है। इसको हम मिक्स करेंगे, तो हमारी मटर पनीर की सब्जी देख सकते हैं तैयार है। तेज लग रही ना, होटल से भी बहुत ही अच्छी लग रही है, देख सकते हैं खाने में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप मटर पनीर की सब्जी बनाएंगे तो आप होटल की सब्जी भी भूल जाएंगे खाना। तो अब इसमें जो मैंने कद्दूकस कर रखा था पनीर को, वो डालते हैं ऊपर से। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है वो सब्जी हमारी। और इसको मैंने पनीर के देख सकते हैं कितना प्यारे टुकड़े दिख रहे हैं। मैंने इसको फ्राई नहीं किया है क्योंकि जो फ्राई कर लेते हैं पनीर को तो इसकी जो पौष्टिकता होती है पनीर की जो वो पूरी नष्ट हो जाती है, इसलिए हम इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं किए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी दिख रही है हमारी सब्ज़ी। अगर आप मैं बना सकती हूँ ये सब्ज़ी तो आप भी ज़रूर बना सकते हैं। इस तरीके से आप मैं बनाएं उस तरीके से आप बनाएंगे तो होटल की सब्ज़ी भी खाना भूल जाएँ, कितनी टेस्टी बनी है पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने गैस बंद कर दी है, तो देख सकते हैं हमारी मटर पनीर की सब्जी कितनी प्यारी दिख रही है। तो हमारी सिंपल तरीके से मटर पनीर की सब्जी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं। और जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ कर लीजिए, तो सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।